from IC branch. My topic is Ek Baar Phir. Ek Baar Phir means it is in the form of meeting. When we meet someone, जब हम मिलते हैं किसी से काफ़ी दिनों बाद तो क्या होता है, मतलब कैसा हमें फील होता है। होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनसे मतलब इसको मतलब रिलेट करना कि मैंने किसी लड़की के लिए लिखा है या ऐसे, मैंने जनरली लिखा है, लेकिन होता है किसी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमारी ओरा मैच करती है, उनके साथ हमें अच्छा फील होता है। काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो वो कैसा फील होता है, ये मैंने लिखा था 12th में। मतलब तब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था लैंग्वेज के बारे में और क्या क्या उसमें होता है, तो इसमें एक आध शायद गुजराती वर्ड भी है, मैंने लिखा हिंदी में है। तो मतलब इमेच्योर पेन कैसे लिखती है वो देखिए। सब सूख गया था आई थी पतझड़, सब सूख गया था आई थी पतझड़, उत्पात से जिसके सब हो गया था बंजर। बाग में किसी डाल पर न फूलों का पता न पत्तों का पता अता था, ऐसे में बसंत के आगमन से फूलों का खिलना एक बार फिर, तुम्हारा मेरा मिलना एक बार फिर। गर्मी का था मौसम थी धूप अतिशय, गर्मी का था मौसम थी धूप अतिशय, आम जनता के लिए भय का एक आम विषय, सब खुद को घर में बंद कर देते थे, थी राहें सुनसान वो जैसे कोई स्मशान, ऐसे में किसी घनघोर बादल से पानी का बरसना एक बार फिर, तुम्हारा मेरा मिलना एक बार फिर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, थी रात काली, शांत था माहौल, थी अंधेरे की दीवाली, आसमान की गोद में थोड़ी सी चांदनी थी, थोड़ी तारों के टिमटिमाहट, ऐसे में पूर्व में उगा सूरज रात का सुबह में घुलना एक बार फिर, तुम्हारा मेरा मिलना एक बार। सब खत्म हो गया था, थी कोई लाचारी, सिर्फ सांसें चल रही थी, सांसें थी बेचारी, जीने की नहीं थी आस, दी किस्मत ने ऐसी ठोकर कि मिला नहीं कुछ किस्मत पे रोके, ऐसे में ठोकर खाके गिरकर संभलना एक बार फिर, तुम्हारा मेरा मिलना एक बार। थैंक यू।